न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। आइए नजर डालते हैं आज के जिले की खबरों पर। राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने कहा है कि अल्पसंख्यक भाषाओं के विद्यालयों में उन्हीं भाषाओं के शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। आयोग के अध्यक्ष कमाल खान ने आज चैमासा में आयोजित समीक्षात्मक बैठक के बाद मीडिया से यह बात कही। आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि राज्य सरकार एवं आयोग इस बात पर गंभीर है कि अल्पसंख्यक भाषाओं के शिक्षकों को उसी भाषा के विद्यालयों में ही प्रतिनियुक्त किया जाए। को हम लोगों ने कहा है कि इस चाहे उर्दू का हो, बंगला का भी हो, चाहे उड़िया का या आपका संथाली का, जिसको राजभाषा का दर्जा राज्य सरकार ने दी है, तो उसी भाषा में पढ़ाई उस स्कूल का बड़े पैमाने पर। यहाँ पर उड़िया का स्कूल है, बंगला का भी स्कूल है, खरसवा में भी है, जब पूर्वी सिंहभूम में है। ये चिंता हम लोग का है, उसी में पढ़ाई हो। और ये सख्ती से हम लोगों ने आज डीएससी और डीओ को कहा कि भाई उसी का जानकार शिक्षकों को रखें। दूसरे अगर है, हिंदी है, अन्य है, जो दूसरे जगहों पर उनका उपयोग करें। आयोग के अध्यक्ष ने कहा है कि पूरे प्रदेश में अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं के लिए जगह जगह छात्रावासों का निर्माण किया जा रहा है और आबादी के अनुरूप इनका निर्माण किया जाएगा। और हम जगह जगह पर पूरे प्रदेश में अल्पसंख्यक छात्रावास का भी निर्माण कर रहे हैं। जहाँ जिस तरह की आबादी है वहाँ आपका जिला मुख्यालय में भी करा रहे हैं। यहाँ पर हमने अनुमंडल मुख्यालय में भी करा रहे हैं, प्रखंड मुख्यालय में। अगर जरूरत है, जमीन है, तो मदरसों में भी अल्पसंख्यक छात्रावास का निर्माण हो रहा है। खान ने कहा कि अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को भारत सरकार की ओर से मिलने वाली छात्रवृत्ति का लाभ देखने को मिल रहा है, जिसके चलते वर्ष 2017-18 में यूपीएससी के परीक्षा में बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं ने सफलता हासिल की है। अल्पसंख्यक समुदाय को प्री मैट्रिक हो या पोस्ट मैट्रिक हो, छात्रावास भी देते हैं, छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप। और बढ़िया है, उसका रिजल्ट भी आया है कि 17-18 का यूपीएससी का जो एग्जाम हुआ है उसमें 121 आपका अल्पसंख्यक समुदाय के लोग क्वालिफाई किए हैं। सदर प्रखंड के सिंह पोखरिया में ग्राम सभा की बैठक हुई, जिसमें गांव को मॉडल ग्राम सभा बनाने का निर्णय लिया गया। बैठक में जिला परिषद अध्यक्ष लालमुनि पूर्ति, बीडीओ पारुल सिंह मुंडा, दीपू सवैया मुखिया, मनमोहन सवैया भी उपस्थित रहे। लालमुनि पूर्ति ने कहा कि मॉडल ग्राम सभा बनने से सरकार की सभी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सकेगा। गांव में आगामी मंगलवार को शिविर आयोजित होगा, जिसमें योजनाओं का लाभ लोगों को देने के लिए अधिकारी मौजूद रहेंगे। जनता से जुड़ी समस्याओं का निराकरण भी होगा। पश्चिमी सिंहभूम जिले में 7वीं आर्थिक जनगणना 2019 क्षेत्रीय कार्य का शुभारंभ 23 अगस्त को किया जाएगा। यह जनगणना जिले के सभी प्रखंडों और नगरपालिका क्षेत्र में की जाएगी। उपायुक्त अरवा राजकमल ने जारी पत्र में कहा है कि जनगणना क्षेत्रीय कार्य प्रगणकों के द्वारा मोबाइल ऐप के माध्यम से करेंगे। उपायुक्त ने पत्र में कहा है कि प्रगणक घर घर जाकर निजी संपर्क के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के सभी कृषि और गैर कृषि क्रियाकलापों से संबंधित उद्यमों की जनगणना की जाएगी। उन्होंने राष्ट्रीय महत्व के इस कार्य में सभी से सहयोग करने की अपील की है। राज्य सरकार उज्ज्वला योजना के लाभुकों को मुफ्त में दूसरा गैस सिलेंडर देने जा रही है। इस योजना की शुरुआत शुक्रवार से चैमासा से हो रही है। राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इसकी शुरुआत करेंगे। योजना के शुभारंभ के मौके पर प्रमंडल स्तरीय सम्मेलन का आयोजन की तैयारी है, जिसमें उज्ज्वला योजना के लाभुक 20 सूत्री सदस्य मुंडा मानकी, झारखंड राज्य आजीविका मिशन की महिलाएं हिस्सा लेंगी। सम्मेलन में तीनों जिले के लाभुक हिस्सा लेंगे। जिला प्रशासन की ओर से सारी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। उपायुक्त अरवा राजकमल और पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत मेहता ने कार्यक्रम स्थल पहुंचकर तैयारी का जायजा लिया। टाटा कॉलेज मैदान में
सम्मेलन के लिए भव्य पंडाल बनाया गया है। प्रमंडलीय उज्ज्वला दीदी सम्मेलन कार्यक्रम कल होने वाला है छहबासा में। इस प्रमंडल के 3 जिला के साथ साथ पूरे राज्य में द्वितीय सिलेंडर मुफ्त में देने का जो राज्य सरकार ने निर्णय लिया है उसका भी शुभ उद्घाटन यहाँ होने वाली है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों में से कार्यक्रम प्रस्तावित है और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ केंद्र मंत्री पेट्रोलियम श्री धर्मेंद्र प्रधान साहब भी आने का भी सूचना हम लोगों को प्राप्त है। पूरे प्रमंडल के उज्ज्वला दीदी के साथ साथ 20 सूत्री के सदस्य और यहाँ के मानकी मुंडा और कई सारे उज्ज्वला के लाभुक JSLPS के बहन सभी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे और कार्यक्रम के प्रस्तावित समय होगा 11 से 12 के बीच में शुरुआत। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।